नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वर माले हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीटीईटी 2018 की काउंसलिंग से संबंधित सूचना है, जो पीटीईटी ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो गई है 20 जून 2018 से। तो महत्वपूर्ण सूचना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो अपडेट से जुड़े रहने के लिए। बीएड कॉलेज के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया आज से। बीएड पाठ्यक्रम जो और 4 वर्षीय जो बीए बीएड बीएससी बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसके लिए प्रवेश के लिए जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 20 जून यानी कि आज से शुरू हो गई है। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाकर 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क जो ICICI बैंक है उसमें चालान के माध्यम से या फिर ऑनलाइन पेमेंट जो गेटवे है उसके माध्यम से जमा करवाना होगा। जो पीटीईटी के जो समन्वयक हैं प्रोफेसर बीपी सारस्वत, उन्होंने बताया कि पीटीईटी 2018 की जो परीक्षा है वो 13 मई 2018 को सभी जिला मुख्यालय पर आयोजित की गई थी और इसका परिणाम है जो 6 जून को जारी कर दिया गया था। कॉलेजों के जो विकल्प हैं वो 26 जून से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। आइए देखते हैं पीटीईटी काउंसलिंग की विस्तृत जानकारी। ये आज के अखबार में भी विज्ञप्ति है। ये ऑनलाइन काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवाकर रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपये ऑनलाइन अथवा बैंक में जमा करवाने की जो तारीख है वो 20 जून 2018 से आप 5 जुलाई 2018 तक आप जमा करा सकते हैं। यानी कि 20 जून से 5 जुलाई तक आप 5,000 की ऑनलाइन फीस जमा करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और महाविद्यालय के चयन हेतु जो ऑनलाइन विकल्प भरने की जो तारीख है, कॉलेज चुनने की जो तारीख है वो 26 जून 2018 से 6 जुलाई 2018 तक, यानी कि 26 जून 2018 से आप 6 जुलाई के बीच में आप कॉलेज चयन कर सकते हैं। इसके बाद में कि प्रथम काउंसलिंग के बाद में जो आवंटित महाविद्यालय की सूचना है वो आपको 8 जुलाई को दे दी जाएगी। 8 जुलाई को महाविद्यालय की सूचना दे दी जाएगी और प्रवेश के बाद की जो शेष शुल्क हैं, बाकी की जो फीस है 22,000 रुपये, वो बैंक में जमा करवाने की तारीख है 9 जुलाई 2018 से 13 जुलाई 2018 तक। और प्रथम काउंसलिंग के बाद जो आवंटित विद्यालय कॉलेज हैं उसमें रिपोर्टिंग का समय है दिनांक 9 जुलाई 2018 से 14 जुलाई 2008 तक। अगर आप अपना कॉलेज चेंज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपवर्ड मूवमेंट का ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी तारीख है 15 जुलाई से 16 जुलाई तक। और अपवर्ड मूवमेंट के बाद में जो नया कॉलेज आपको आवंटित होगा उसमें उसकी जो सूचना है आपको 17 जुलाई को दे दी जाएगी। तथा अपवर्ड मूवमेंट में के बाद में जो आपको आवंटित कॉलेज हैं उसमें रिपोर्टिंग का समय है 18 जुलाई 2018 से 20 जुलाई 2018 तक। और जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि में कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन शुल्क जो किसी भी जो निर्धारित तिथियां हैं ये वो ICICI बैंक में किसी भी शाखा में करवा सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट भी करवा सकते हैं गेटवे के माध्यम से। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी पीटीईटी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तो जिन्होंने पीटीईटी 2018 में दी है वो काउंसलिंग आज से करवा सकते हैं 5,000 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवा करके। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।